सुप्रभात जैन साहब, स्वागत है आपका। बताएं सर, क्या है इरादा आज? स्टॉक्स देने चाहिए और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सेक्टर अच्छा करेगा। और जो स्टॉक में लाया हुआ शारदा मोटर्स, और हर बार मतलब पांचवी बार दे रहा हूं, चौथे साल है, बट 2023 में दिया नहीं, 2022 के बाद अब दे रहा हूं। और बहुत ही गजब की कंपनी है। बेस्ट पार्ट अबाउट द कंपनी इज मार्केट लीडर है, इंडिया का लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है, जो पर्टिकुलर पार्ट बनाते हैं, एग्जॉस्ट बनाते हैं ऑटोमोटिव प्लेयर्स के लिए, और उसमें बहुत बड़ा मार्केट शेयर है कंपनी का। और मेरा वन ऑफ द फेवरेट स्टॉक्स अगर ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स में देखें, क्योंकि थ्योरेटिकली द कंपनी इज सो ब्यूटीफुल, मतलब सारे फंडामेंटल्स पे गजब की खरे उतरती है। प्रोमोटर का बैकग्राउंड बोल लीजिए, बहुत ही क्वालिफाइड, बहुत बढ़िया सुलझे हुए प्रोमोटर्स में देख रहा था किस तरीके से ग्रोथ और सिस्टम्स और जो बैलेंस शीट की क्वालिटी है। एग्जॉस्ट सिस्टम्स में 30% मार्केट शेयर है, सस्पेंशन सिस्टम्स बनाते हैं जहां पे 10% मार्केट शेयर है। फिर मैं मैनेजमेंट की क्वालिटी के बारे में जब मैं बोल रहा हूँ, तो क्वालिफाइड मैनेजमेंट मतलब बाहर से पढ़े हुए, और ओवरऑल जिस तरीके से दूसरे दूसरे सेगमेंट्स को कैटर कर रहे हैं, वाइट गुड सेगमेंट को भी कैटर करते हैं, कुछ उनके लिए प्रोडक्ट्स बनाते हैं। सो ओवरऑल कैटलिटिक कन्वर्टर, सस्पेंशन, एग्जॉस्ट सिस्टम्स, ये सारी चीजें अलग अलग सेगमेंट के लिए और बड़े क्लाइंट्स के लिए बनाते हैं, जिसमें ह्यूंडई, महिंद्रा, टाटा, मारुति सुजुकी, अशोक लेलैंड, क्यूबोटा, ये सब है। और फंडामेंटल्स पे अगर मैं आता हूँ, तो PLIs और ये सब का बहुत बड़ा बेनिफिशियरी ये कंपनी भी रही है। रिटेल ऑटोमोबाइल सेल्स हम देख रहे हैं किस तरीके से बढ़ती जा रही है, उसका पूरा बेनिफिट इस कंपनी को भी मिलता है। और अच्छा खासा एक्सपेंशन प्लान्स भी है कंपनी LCVs में और पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट्स में भी अपने को काफी ग्रो करने की कोशिश कर रही है वहां पे भी, मतलब वहां की उस सेगमेंट में और उनकी मार्केट शेयर बढ़े। और 16 के पी मल्टीपल पे स्टॉक मुझे सस्ता लगता है, जिस कंपनी का 16 का पी मल्टीपल और 38% का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, 29% का रिटर्न ऑन इक्विटी, 1.5% के लगभग डिविडेंड यील्ड, और उससे भी बढ़िया बात एक जीरो डेट कंपनी, ये सारी चीजें एक साथ बहुत कम मिलती है। और ऐसे मार्केट्स में जब हमको ऐसे वैल्यूएशन वाले स्टॉक्स मिलते हैं तो और मजा आता है। प्रॉफिट की कैगर 57% पिछले 3 साल की, सेल्स की कैगर 47%, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पिछले सेप्टेम्बर के मुकाबले इस सेप्टेम्बर में बढ़ा है, और हाइएस्ट एवर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पर बैठी है कंपनी 13% की, जनरली 10-11 की रेंज में रहता है। हाइएस्ट एवर TTM बेसिस पे टॉप लाइन 2800 करोड़ के लगभग, और बॉटम लाइन जो है वो भी करीब 250 करोड़ के लगभग। तो इस तरीके का तो टॉप लाइन, बॉटम लाइन, और कंपनी जो है अभी भी 2800 करोड़ की ही कंपनी है। प्रोमोटर्स की स्ट्रॉन्ग शेयर होल्डिंग, अगेन 74% अगर प्रोमोटर्स की स्ट्रॉन्ग शेयर होल्डिंग रहती है, 73-74 FISDIs करीब 2% के लगभग होल्ड करते हैं। तो अच्छा सेक्टर, अच्छा बैकग्राउंड, अच्छी कंपनी, इतनी जबरदस्त ग्रोथ देने वाली, इतने बढ़िया रिटर्न नंबर्स देने वाली, और एक डेट फ्री कंपनी, तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक को बिल्कुल इस लेवल पे ले। 1380 का पहले हाईस बनाया है, वहां तक आसपास ऑलरेडी पहुंच चुका स्टॉक, तो 1490-1530 के टारगेट के लिए स्टॉक को लेना चाहिए। ओके, तो शारदा मोटर्स ये है वो स्टॉक जहां पर लगातार 4 बार टारगेट हासिल करने के बाद जैन साहब ने एक बार फिर से इसको जेम स्टॉक में चुना है। 1490 और 1530 के बड़े टारगेट के लिए यहाँ पर करनी है खरीदारी। जैन साहब की बात करने के बाद स्टॉक में बढ़िया